कैप्टन अभिमन्यु को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस बची कहाँ है जी? वो सारी कांग्रेस को तो धक्का मार दिया। और कांग्रेस पार्टी कहाँ है? वो तो उनका जेबी संगठन हो गया है। ये गुलाबी गैंग है, जो ग्रीन ब्रिगेड होती थी ना, ये नया गुलाबी गैंग है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल था और अभी नायब सैनी का कार्यकाल है, दोनों में आप क्या फर्क देते हैं? क्या आपकी नज़र में नायब सैनी को बदलने से फायदा पहुंचा है? दूसरे राज्यों में 20-20 लाख रुपए की पावर, हरियाणा में 5 लाख की पावर देना जी, ये किस बुद्धिमान अधिकारी का ये विषय रहा होगा जी? मेरी सोच से बाहर है। सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जिनकी बातें चलती थी कि वो नाराज है, वो नाराज है, आपने अब की बार सबको सेट कर लिया जी। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कोई कुनबे की गुलामी करने वाले लोग नहीं है, ये सब खुद मुख्तार और खुददार लोगों की पार्टी है। 2014 से 19 के बीच का कैप्टन अभिमन्यु और 2024 के कैप्टन अभिमन्यु में अब की बार जनता क्या फर्क देखे? पिछले 5 साल का भी हिसाब लेंगे, और हिसाब केवल मूल का नहीं लेंगे, सूद समेत उसको लेने का काम करेंगे। कैप्टन साहब झुकते नहीं है, क्यों नहीं झुकते आप? ये जवाब नारनौंद का बच्चा बच्चा दे देगा, नारनौंद का चप्पा चप्पा दे देगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सीटें जीतने के बाद काफी उत्साहित है, और जहां कहीं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, तमाम लोगों की भीड़ वहां पे देखने को मिलती है। ऐसे उत्साहित है कि कब चुनाव का दौर नजदीक आए और फटाफट झटाझट खटाखट उनकी सरकार बन जाए, सब कुछ चेंज हो जाए। चूहे को मिली हल्दी की गांठ जी, और पंसारी बन बैठे जी। तो इनको जो आज हरियाणा में जो कांग्रेस की जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, वो कांग्रेस की शव यात्रा है। 500-700 लोग साथ लेके चलो, 100-200 लोग टिकटार्थी लेकर के आ जाए, अपनी अपनी तख्तियों का वहाँ पर डिस्प्ले कर दें जी, और आपस के अंदर ये कांग्रेस को जोड़ नहीं रहे, तोड़ते हुए घूम रहे हैं। कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो ऑनलाइन का चक्कर आपकी सरकार ने चलाया, उससे जनता काफी नाराज हो गई? ट्रांसफर की मंडी सजा करती थी हरियाणा के अंदर जी। ट्रांसफर के लिए कैसे लोग किस प्रकार से क्या क्या नहीं करते थे, जमीनों को जिस प्रकार से खुर्द बुर्द करने का काम पिछली सरकारों में होता था, मनोहर लाल जी ने जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से 40,000 के करीब कांग्रेस पार्टी की जो लीड गई है, उसको कैप्टन अभिमन्यु कैसे तोड़ पाएंगे? तो सोन ठीक हो रहा है, चिंता मत करो। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के कदावर नेता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ खास शख्सियत कार्यक्रम में मौजूद है। कैप्टन साहब, स्वागत आपका बिंदास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। कैप्टन साहब, एक बार फिर चुनाव की हवा चलने लगी है और आप भी लगातार धुआंधार प्रचार करने लग रहे हैं, तो क्या लगता है जो पिछले बार जो कमी रही थी, क्या वो इस बार पूरी कर पाएंगे आप? ठीक है, पिछली बार भी मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता ने जी 2014 की तुलना में 2019 में लगभग 20% मत जो है वो बढ़ा करके दिया था जी। मैं मानता हूँ कि जनता ने जो विकास के कार्य थे उनके ऊपर अपनी मोहर लगाते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए जिताने के लिए जी और अधिक मत देने का काम किया था, तो बहुत बड़ी कृपा जनता ने की थी जी। वो तो चुनावी समीकरण इस प्रकार का हुआ कि कुछ पार्टियों के वोट बिल्कुल ही ना के बराबर हो गए, जिसमें कांग्रेस और INLD जी, और सामने जो वोट एक जगह जहाँ इकट्ठा हुए तो वो एक हमारे क्षेत्र में एक नारा लगा करके उन्होंने और लोगों को बहका करके वोट तो लिया, लेकिन जहाँ हमें वोट प्राप्त हुआ जी, देखा जाए तो कांग्रेस और INLD वहाँ जीरो की स्थिति में पहुँच गई। हमें तो वोट बढ़ करके मिला, जनता ने जिताने के लिए दिया था जी। तो मैं मानता हूँ कि पिछली बार भी जनादेश जो है जिताने के लिए था, और इस बार जो है निश्चित तौर पर वो जो पार्टी तात्कालिक तौर पर उभरी थी वो पार्टी आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही जी। तो जनता ने इस बात को अब समझ लिया है कि इस प्रकार के बाहरी जो लोग आए हैं, ये हमारे क्षेत्र में उनको बरगला करके बहका करके वोट लेकर के कुछ देने के लिए नहीं आते जी, बल्कि जो कुछ हमें मिल रहा था वो उसको भी छीन लेने का काम किया है। तो हमारे क्षेत्र की जनता अब अपने नेतृत्व को स्वयं स्थापित करते हुए और अपने खुद मुख्तार बन करके अपने क्षेत्र का विकास और अपने क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य वो खुद तय करने का मन बनाए हुए हैं जी। कैप्टन साहब,
एक बात हर किसी के जहन में आती है जब कभी भी हम हल्के के गांव में जाते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, तो वो हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि कैप्टन अभिमन्यु ने सार्वजनिक काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं, नो डाउट, लेकिन निजी कामों में पीछे रह गए। निजी कामों में भी मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जितने निजी कार्य हमारे क्षेत्र में हुए थे जी, चाहे वो खेतों को जाने वाले खाल पक्के करवाने की बात हो, पक्के कराने की बात हो जी, चाहे वो खेतों को ढाणियों को जाने वाले रास्तों की बात हो जी, तो या वहाँ की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मकान पक्के कराने के लिए या और जो भी हो सकता था जी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि जो डीसी रेट की नौकरियों में भी हरियाणा प्रदेश में नारनो नंबर वन रहा जी। कैप्टन साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत हुए हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो हाँ, नंबर वन रहा उस दृष्टि से कि यहाँ हमारे क्षेत्र में लोग काम करने के योग्य अधिक थे जी, और जो एक व्यवस्था थी ठीक है, आज भी जो नौकरियाँ मिलती हैं जी, तो उसमें कोई क्षेत्र में ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ पर नौकरी करने की इच्छा और मेहनत कोई करता है तो मिलती है जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निजी काम भी सर्वाधिक हुए, उसके बावजूद भी हमारा क्षेत्र जो है इस इतना ज़्यादा 50 साल में पिछड़ा रख दिया गया जी, इतना कमज़ोर रख दिया गया कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा रही जी, और रोज़गार के दृष्टि से किसी ने काम नहीं किया। हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था कि इसके बाद हम उद्योग कारखाने फैक्ट्री लगा करके क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने की संभावनाओं में बढ़ोतरी करेंगे जी, वो 5 साल पिछले निकल गए। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ निजी काम भी बहुत हुए, परंतु हमारे क्षेत्र में निजी कामों की अपेक्षा भी अधिक रहती है। और अगर मैं ये भी कहूँ जी कि पिछले 20-25 साल के सभी माननीय विधायक मेरे आदरणीय हैं सभी जी, उनकी तुलना में भी करेंगे तो निजी कार्य जो हैं वो कम नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे जी। फिर भी हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और सुधार करने का प्रयास हमेशा करेंगे, करना भी चाहिए जी। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि 20-25 साल के विधायकों को मान लें, लेकिन हल्के के लोग इस बात को भी कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने काम अच्छे करवाए थे। जिसने भी अच्छे काम कराए लोग बोलेंगे जी। डॉक्टर अजय चौधरी अब की बार पहली बार आपके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए, इकलौते ऐसे सांसद थे हरियाणा से जिन्होंने सांसद होते हुए भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, लेकिन उनकी भी टिकट कट गई, तो कांग्रेस पार्टी में वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं जताई जा रही है कि अब की बार इस विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु के सामने डॉक्टर अजय चौधरी होंगे, उमेद लोहान होंगे, और 10 तारीख को दादा गौतम ने मीटिंग बुलाई है, तो शायद दादा गौतम भी आपके सामने चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो जब सारे कैंडिडेट्स, सब पार्टियों के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे जी, तभी दिया जा सकता है। सभी मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं और सबका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ जी, किसी के प्रति भी मैं व्यक्तिगत जो है कोई टिप्पणी कभी नहीं करता हूँ जी, और मेरे क्षेत्र के स्वभाव में और आचरण में भी मैं इस बात को लाने का प्रयास करता हूँ कि सब परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सब मिलकर के काम कर सकें तो काम भी करें जी। तो कैप्टन अभिमन्यु को क्या लगता है कि डॉक्टर अजय चौधरी कितने मजबूत होंगे आपके सामने? देखिए, तो पार्टियों के बीच का चुनाव है जी, और कैंडिडेट का भी असर पड़ता है जी, तो मैं उसको तुलना करके नहीं देखना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति की तुलना, वो भी देखिए सब लोग अच्छे लोग हैं जी, और सब अपने अपने तरीके से अपना पार्टी का अपना प्रयास अपना काम करना चाहते हैं जी। तो हमने काम किया है, हम अपनी बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। नारनौंद का भविष्य और नारनौंद के जो अधिक से अधिक विकास की संभावनाएं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा सरकार के 10 साल में हमारे क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया था जी, और वो तुलना करनी पड़ेगी कि अगर मैं मिसाल के तौर पर एक बात बताना चाहूँ जी कि मैंने नारनौंद के अंदर ना कभी बिजली की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, ना पानी की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, ना सड़कों की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, ना रोज़गार दिया, और रोज़गार उनके यहाँ तो बिकता था, नीलामी होती थी, उस नीलामी में भी नारनौंद के लोगों के पैसे
भी पकड़ने के लिए सिफारिशें करानी पड़ती थी जी। हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं, किसी प्रकार का कोई उन्होंने विकास का काम नहीं किया। एक उदाहरण दूं कि जो पशु चिकित्सालय के जो व्यवस्था है जी, 10 साल में एक नारनौंद में सिर्फ एक डिस्पेंसरी बनी थी पशु चिकित्सालय की जी, और पिछले 5 साल में उससे आधे कार्यकाल में 22 के करीब चिकित्सालय और डिस्पेंसरी नारनौंद में बने, 22 से अधिक जी, 22 से करीब नहीं 22 से अधिक बने। आप एक यूनिवर्सिटी भी लेके आए, उस यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर उसका अलग है, रिसर्च सेंटर है, मुर्रा का रिसर्च सेंटर है, ये तो 22 प्लस वो है जी। और नारनौंद शायद हरियाणा और हिंदुस्तान का अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें 60 के 60 गाँवों में पशु चिकित्सा की व्यवस्था है। तो ऐसी जो चिंताएं हैं, सामान्य ऐसी चिंताएं हैं, तो ये सबका करने का फर्ज बनता था। जो हिसाब मांगने आ रहे हैं उनको हिसाब देना चाहिए नारनौंद में। उन्होंने नारनौंद के साथ ये द्वेष भावना से काम क्यों किया, उन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र के साथ जी क्यों क्यों तो सब आते हैं इसी बात पे। कुछ दिनों पहले दीपेंद्र हुड्डा आए थे और वो नारनौंद में हिसाब मांग रहे थे कि बताइए आखिरकार नारनौंद में क्या काम हुआ है। और आज वही क्वेश्चन जो है बिंदास हरियाणा के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे, आपने क्या किया है 5 साल में, एक बार बताइए जरूर। आपको दे देना चाहिए हिसाब, हमने तो दिया था लेकिन आपकी जुबानी, हमने कहा था कि कॉलेज बने हैं, यहाँ पे आईटीआई बनी है, रोड बने हैं, नगर पालिका बनी है, तहसील बनी है, बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन एक बार आपकी जुबान, नारनौंद का चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा इस बात की गवाही देगा कि नारनौंद में विकास के काम कितने हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर शायद कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें 4 कॉलेज और 4 आईटीआई बनी हो जी, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा। तो ये जवाब नारनौंद का बच्चा बच्चा दे देगा, नारनौंद का चप्पा चप्पा दे देगा। और अजय लोहान जी भी जब ईमानदारी से आत्मा से बात करेंगे, अजय लोहान जी की आत्मा भी स्वयं को रोक नहीं पाएगी, वो जवाब स्वयं दे देंगे। नहीं, हमने तो कहा है, हम तो अब भी कैमरे के सामने ये कह रहे हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपने सार्वजनिक काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं और शायद एक विधानसभा में जो जनता जिसको चुन के भेजती है, अगर सभी आपकी तरह करवाने लग जाएं काम तो शायद कोई आवश्यकता नहीं बचेगी उस विधानसभा क्षेत्र में काम करवाने के। लेकिन आपने जितने काम करवाए थे वो काम आगे बढ़ने थे, आगे बढ़ने चाहिए थे, बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इन 5 सालों में नारनौंद हल्का जैसे आगे बढ़ा था वैसे ही वहाँ पे बिल्कुल रुक गया, एक कदम भी आगे नहीं चला। देखिए, तो जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है जी कि उनकी रुचि किस चीज़ में है। यूँ तो 90 विधायक चुने जाएंगे, 90 में पक्ष और विपक्ष के दोनों के होंगे, और सत्ता पक्ष के सभी विधायक भी बराबर विकास नहीं करा पाते हैं। किसकी रुचि किस चीज़ में है, बहुत सारे विधायक बार बार बन जाते हैं जी, बिना काम कराए भी बन जाते हैं जी। तो हम इस संकल्प को लेकर के आए थे कि हमारे क्षेत्र को विकसित करेंगे, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को विस्तार करेंगे जी, सुनिश्चित करेंगे, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए रोजगार की संभावनाओं का सृजन करने का काम करेंगे, हमारा बच्चा जो है, हमारा नौजवान किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो, हमारे क्षेत्र का मान सम्मान की पगड़ी को ऊंचा करेंगे जी, हमारे क्षेत्र के मान सम्मान की पगड़ी किसी दूसरे इलाके के लोगों के जूती में गिरने के लिए मजबूर ना हो, हमारा क्षेत्र की स्वयं की राजनीतिक ताकत इतनी हो कि हमारा क्षेत्र सम्मान और स्वाभिमान के साथ में हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभा सके जी। तो इसलिए हमने अपने क्षेत्र में विकास के काम करे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, हमने अपने क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने में कोई समझौता नहीं किया, किसी भी प्रकार का राजनीति में कोई समझौता नहीं किया कि मेरा क्षेत्र का इलाका मुझे झुकते हुए देखना पसंद नहीं करेगा, मेरे क्षेत्र का इलाका मुझे गलत काम करते हुए देखना पसंद नहीं करेगा, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी सरदारी, मेरा भाईचारा, वो मैं उसी स्वाभिमान के साथ हमने काम किया जी, और मेरे क्षेत्र के लोगों के चरणों में सदा बैठ करके, सदा झुक करके, विनम्रता से झुक करके हम अपने क्षेत्र का काम करने के लिए निकले हैं जी, विकास की सोच के साथ निकले हैं। अब जो काम हुए सामने हैं, जो काम रह गए वो सामने हैं, आने वाले समय में पिछले 5 साल का भी हिसाब लेंगे, और हिसाब केवल मूल का नहीं लेंगे, सूद समेत उसको लेने का काम करेंगे जी। कैप्टन साहब, आपको बार बार झुकाने की कोशिश की गई,
वो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर आपको बड़े बड़े पदों पे जाने से रोकने की बात हो, और ये कहा गया कि कैप्टन साहब झुकते नहीं हैं, क्यों नहीं झुकते आप? मैं अपने जनता के चरणों में, जो मेरा परिवार है, मेरा भाईचारा है, मेरी सरदारी है, सदा रहूँगा, सदा झुकूँगा। मेरा जो सरदारी है, मेरा जो इलाका है जी, वह स्वाभिमानी लोगों का इलाका है जी। वह अपने बेटे को किसी राजनीतिक लाभ के लिए जी झुकते हुए देखना शायद पसंद ना करें जी। लेकिन लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने अब की बार अपना जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो काफ़ी बदल दिया लगता है। तमाम जो नेता ये सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जिनकी बातें चलती थी कि वो नाराज़ है, वो नाराज़ है, आपने अब की बार सबको सेट कर लिया है। परिवार में जब इकट्ठे रहते हैं तो बर्तन भी आपस में खनकते हैं जी, तो हर परिवार के अंदर ये स्वाभाविक है। अगर मुझे आपसे आशा होगी, मेरी आशा पूरी नहीं होगी तो मैं आपसे नाराज भी हो जाऊंगा जी। तो परिवार में एक दूसरे को ये राजी नाराजी चलती है और हमें एक परिवार की तरह से हम काम करते हैं, और कोशिश ये रहती है, यो उस्मान द्वेष्टि यम वयम दिशमस्तम वो जम्बे दद में, हे प्रभु मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के मन में मेरे प्रति द्वेष ना हो, और परस्पर सबके मन में आपस में कोई द्वेष ना हो, इस भाव से हम जीवन जीते हैं और उसी भाव से संगठन का काम करते हैं। कोई द्वेष भाव से नहीं, सबको हम सबको साथ लेकर के चलने की, ये संगठन है बीजेपी का, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कोई कुनबे की गुलामी करने वाले लोग नहीं है, ये सब खुद मुख्तार और खुददार लोगों की पार्टी है जी। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है कि जो 9.5 साल का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल था और अभी नायब सैनी का कार्यकाल है, दोनों में आप क्या फ़र्क देते हैं? क्या आपकी नज़र में नायब सैनी को बदलने से फ़ायदा पहुंचा है? देखिए, ये फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है जी। जो 9.5 साल के जो कार्यकाल में मनोहर लाल जी ने जो बहुत कुछ अच्छे काम करने में कामयाबी हासिल की जी, वह जो पूरी शासन प्रशासन की संस्कृति को बदलने की जो कवायद हरियाणा में हुई है कि एक परिवार का राज चलेगा, एक परिवार के जो भाई भतीजे साले जीजे वो सब राज करेंगे, एक ही इलाके के लोग जो है सारे ठेकेदारी लेंगे जी, एक ही इलाके के लोग, एक ही व्यक्ति के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सारे नौकरियों की खर्ची पर्ची का सारा सिस्टम चलाएंगे, ये सारा व्यवस्था को बदल देने का काम। ट्रांसफ़र की मंडी सजा करती थी हरियाणा के अंदर जी, ट्रांसफ़र के लिए कैसे लोग किस प्रकार से क्या क्या नहीं करते थे, ज़मीनों को जिस प्रकार से खुर्द बुर्द करने का काम पिछली सरकारों में होता था, मनोहर लाल जी ने उस सारी व्यवस्था को एक सुशासन के दायरे में हरियाणा के प्रशासनिक व्यवस्था को लाने का काम किया, जो मैं उनको निश्चित तौर पर साधुवाद बधाई देता हूँ जी। और हम सब ने मिलकर के, हमारा संकल्प था कॉलेज के समय से, हमारा संकल्प था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा, वह पढ़ाई लिखाई करके, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर, अपनी मेरिट के दम पर, किसी राजनेता के पैरों में उसके दादा और बाप की पगड़ी रख करके नहीं, अपनी ज़मीन जायदाद और जेवरात बेच करके नहीं, मेरिट के दम पर वो नौकरी लेगा। और गरीब आदमी के घर भी जब नौकरी की चिट्ठी आती है जी, हमारा सीना गर्व से ऊंचा और फूल जाता है। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाने की हिम्मत कौन कर सकता था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को, जो ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हैं, ये करने की हिम्मत हमारी सरकार ने की। लेकिन कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो ऑनलाइन का चक्कर आपकी सरकार ने चलाया उससे जनता काफ़ी नाराज़ हो गई, काफ़ी परेशान हो गई? सारी चीज़ों से नहीं। देखो, जो पेंशन ऑनलाइन मिली है उससे जनता खुश है जी, ऑनलाइन रजिस्ट्री है उससे जनता खुश है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र उससे जनता खुश है। जो कमी है वो कमी आई कि जो फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र में जी, वो कमी आई, प्रॉपर्टी आईडी में कमी आई। कोई काम करते करते आप 100 काम करेंगे, 2-3 कामों में गलतियाँ और कमियाँ हो सकती हैं, उन कमियों को स्वीकार करना ये लोकतंत्र का संस्कार का परिचायक है। तो जो नायब सिंह जी ने जो अब किया, जो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने देखा कि हरियाणा की जनता को इन विषयों को लेकर के, सरपंच साहिबान हैं, पढ़े लिखे सरपंच हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान में अकेला प्रांत, और पढ़े लिखे सरपंचों को
दूसरे राज्यों में 20-20 लाख रुपए की पावर, हरियाणा में 5 लाख की पावर देना, जी ये किस बुद्धिमान अधिकारी का ये विषय रहा होगा, जी मेरी सोच से बाहर है जी। तो और सरपंच को तो खुद भी गांव में रहना है जी, उसकी अगली पीढ़ियां भी गांव में रहेंगी जी, और कोई वो चोरी बेईमानी करेगा तो पूरा गांव उसको लानत देगा, आने वाली पीढ़ियों को लानत देगा जी। अरे जो अधिकारी भ्रष्टाचार करके चला जाता उसको कौन गांव में ढूंढता हुआ फिरेगा जी। तो सरपंचों की जो ताकत थी, उस सरपंचों की ताकत को जिन्होंने भी कमजोर करने की कोशिश की थी, निश्चित तौर पर वह कोई अच्छी लोकतांत्रिक संस्कार की नीति नहीं। तो उसको नायब सिंह जी ने समझा कि ये विषय है, अब ये मनोहर लाल जी ने भी इसको रिव्यू में रखा था, वो भी इसके ऊपर पुनर्विचार कर रहे थे जी, और लगातार बातचीत सरपंचों से भी चल रही थी। कैप्टन साहब, तो मैंने कहा ये परिवर्तन जी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन सब में जो परिवर्तन के आज जी संकेत दिख रहे हैं जी, तो जो आपने नायब सिंह जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए इनको दुरुस्त करने का कार्रवाई शुरू की है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैप्टन साहब, एक बार आपकी सरकार सरपंचों को लाठी डंडों से पीटती है और दूसरी ही पल उनको मना लेती है, तो इसका नुकसान नहीं होता? देखिए, अब वो पुलिस की प्रशासन की कार्रवाई जो है क्या है उसका मैटर नहीं है, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि निश्चित तौर पर लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जी। प्रारंभ से आपको याद होगा मेरा आपके साथ ही बहुत पुराना इंटरव्यू जी, उसमें मैंने यही सब कहा था जी। आप ही अपने पुराने इंटरव्यू निकाल लीजिएगा। बिल्कुल, आपने कहा था कि सरपंचों को ताकत मिलनी चाहिए। हाँ, और मैंने किसान आंदोलन के समय में भी आपको इंटरव्यू में कहा था कि किसानों को अपनी बात कहने का पूरा लोकतांत्रिक तरीके से पूरा अधिकार है जी। लोकतांत्रिक प्रणाली में जितने भी विषय वो अपना रहे हैं वो बिल्कुल ससम्मान उनकी बातों को सुनना चाहिए, और वो अन्नदाता हैं, वो देश के हर आदमी का पेट भरने का काम अन्नदाता किसानों ने किया है जी। मेरा ही पुराना, आप 3 साल पुराना इंटरव्यू निकाल करके देख लीजिएगा जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे याद है कि जब आप कोरोना काल के दौरान रोहतक कोठी पे थे, तो मैं वहाँ पे पहुँचा था, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि आखिरकार कैप्टन साहब को ढूंढ ही निकाला जी। तो हालांकि कोरोना का दौर था जी। कैप्टन साहब, 5 सीटें जीतने के बाद, कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सीटें जीतने के बाद काफ़ी उत्साहित है, और जहाँ कहीं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, तमाम लोगों की भीड़ वहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे उत्साहित है कि कब चुनाव का दौर नज़दीक आए और फटाफट झटाझट खटाखट उनकी सरकार बन जाए, सब कुछ चेंज हो जाए। देखिए, 2019 में हमारे 79 सीटों पर हमारी लीड थी जी लोकसभा में जी, और कांग्रेस की तो 42 सीटों पर लीड है जी, और वो इतनी उछल कूद कर रहे हैं, और इसमें से भी जो 5 सीटों में से, मैं दावे से कह सकता हूँ 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने, एक प्रकार से कांग्रेस ने नहीं जीती है, हमारी कोई रणनीतिक चूक के कारण उनके झोली में चली गई है। तो कांग्रेस के पक्ष में जनादेश कतई नहीं था, जनादेश मोदी जी के पक्ष में था जी। तो ये कांग्रेस जो है वो क्या अदरक आ गई और पंसारी बन बैठा जी, वो वाली इनके साथ कहानी बन रही है जी। जो है तो चूहे को मिली हल्दी की गांठ जी, और पंसारी बन बैठे जी। तो इनको जो आज हरियाणा में जो कांग्रेस की जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, वो कांग्रेस की शव यात्रा है, जो टिकटार्थियों को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सोच लीजिए, सोच लीजिए, कैमरे के सामने आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 3 बार कहूँगा कि ये जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये वास्तव में ये कांग्रेस का जुलूस निकाला जा रहा है कि 500-700 लोग साथ लेकर चलो, 100-200 लोग टिकटार्थी लेकर के आ जाए, अपनी अपनी तख्तियों का वहाँ पर डिस्प्ले कर दें जी, और आपस के अंदर ये कांग्रेस को जोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ते हुए घूम रहे हैं। पहले ही कांग्रेस 2 फाड़ होकर के अलग अलग यात्रा कर रही है जी, और कांग्रेस बची कहाँ है जी? वो सारी कांग्रेस को तो धक्का मार दिया, दूसरी कांग्रेस को तो लात मार के बाहर निकाल दिया जी। जो कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग कांग्रेस के थे, आप कहीं फरीदाबाद से अवतार बढ़ाना जी से लेकर के जी, और राविंदर जीत जी से, और अरविंद शर्मा जी जी, रमेश कौशिक जी जी, विनोद शर्मा जी, लास्ट में किरण चौधरी कंवर जी, जो तो धुरंदर, आप धुरंदर, धुरंदर लोग, चौधरी धर्मवीर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। तो इसका मतलब कैप्टन अभिमन्यु को लगता है कि भूपेंद्र सिंह मार दिया, कैप्टन अभिमन्यु को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, वो कांग्रेस मुक्त हरियाणा में उनका योगदान निश्चित तौर पर होगा,
लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ही कांग्रेसियों से मुक्त कर दिया। और कांग्रेस पार्टी कहाँ है, वो तो उनका जेबी संगठन हो गया है। ये गुलाबी गैंग है जो ग्रीन ब्रिगेड होती थी ना, ये नया गुलाबी गैंग है हरियाणा के ऊपर जो है। तो ये जो घूम रहे हैं यही कांग्रेस का काम कर देंगे जी। 2014 से 19 के बीच का कैप्टन अभिमन्यु और 2024 के कैप्टन अभिमन्यु में अब की बार जनता क्या फर्क देखे? उसी संकल्प के साथ काम करेंगे और निश्चित तौर पर समय के साथ जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों का लाभ भी समाज और राष्ट्र को मिले, और ज़्यादा मेहनत के साथ जनता के बीच में काम करते हुए अपने हरियाणा प्रदेश को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए जिनके हाथ मसल रहे हैं, जिनके हाथों में खुजली हो रही है जी, जो हरियाणा की ज़मीनों को फिर से लूटना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं जी, हरियाणा में परिवारवाद, जातवाद और गुंडागर्दी, क्षेत्रवाद फिर से लाना चाहते हैं, उन लोगों से हरियाणा को बचाने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में उनके हाथों में हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए जाने, बर्बाद होने के लिए जाने नहीं देंगे जी। अंतिम सवाल, बात करें इनेलो की और बीएसपी के गठबंधन की, लोकसभा चुनाव में ये मान रही है कांग्रेस पार्टी कि एससी जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया है, लेकिन अब इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हो गया, उसका आपको कितना फ़ायदा होगा? और जो नारंद विधानसभा क्षेत्र से 40,000 के करीब कांग्रेस पार्टी की जो लीड गई है उसको कैप्टन अभिमन्यु कैसे तोड़ पाएंगे, उस चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकलेंगे? 2014 में कितनी लीड थी बीजेपी, कितनी लीड से माइनस हुई थी जी? इतनी ही थी लोकसभा में जी। तो सोन ठीक हो रहा है, चिंता मत करो। तो इसका फायदा, दूसरी बात जी कि इनेलो और बसपा, इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा? वो तो उनका अपना वोट बैंक है और वो दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। निश्चित तौर पर वो अपने अस्तित्व का संघर्ष करने वाली वो पार्टियां जी, वो अपने पूरे संगठन को लेकर के काम करेंगी, तो कुछ सीटों के ऊपर उनका प्रदर्शन जो है प्रभावी रहने वाला है जी। उनको आप नज़रअंदाज करने की भूल मत करिएगा जी। बिल्कुल, ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी हरियाणा की 4 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल होटेस्ट थी, और अब की बार भी पूरे हरियाणा की निगाहें नारंद विधानसभा क्षेत्र पर अटकी हुई हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही शख्स हैं जो आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु। इनकी जो सोच है, इनका जो कार्य करने का जो तरीका है, इनका जो बिंदास अंदाज है, शायद अभी तक वो जनता के विचारों से पूर्ण रूप से मैच नहीं खा पाया था, लेकिन अब इनका ये मानना है कि अब वो विचार भी मिल गए हैं, अब वो काम करने का तरीका भी जनता के साथ मिल गया है, और इससे भी ये कदम आगे दिलों से दिल भी मिल गए हैं। अब इस दिल के अंदर जो कड़वाहट थी, क्या वो पूरी तरह से खत्म होकर बीजेपी का कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैप्टन अभिमन्यु इस 2024 के विधानसभा चुनाव में निभा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार।